हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलमस्टीवल नॉलेज। मैं हूं अली और आज बात करेंगे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की। क्या आप भी कहीं जगह पर आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है? क्या आप भी हिचकिचाहट का शिकार होते हैं? क्या कभी कभार कोई काम स्टार्ट करने से पहले आप भी नर्वस हो जाते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है, इसको एंड तक देखिएगा। आज बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की और उसको मैं रिलेट करूंगा छोटी सी स्टोरी सी जो है एक बिजनेसमैन की। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि बंदे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वहां पे उन्हें हल्की सी जरूरत होती है एक मोटिवेशन की, एक ऐसा बंदा जो उन्हें पुश कर सके, और वो कर जाते हैं जो कोई नहीं कर सकता। एक कहानी जहां से स्टार्ट करूंगा कि एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, अचानक वो क्राइसिस में चला जाता है। कम ऑन, कहां चला जाता है? क्राइसिस में चला जाता है। उसका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाता है, नुकसान में आ जाता है और उस मूवमेंट पे अपना कॉन्फिडेंस वो खो देता है। पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ने खो दिया। अब उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यार अब सब खत्म हो गया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन पार्क में बैठा हुआ अपना सर पकड़ा हुआ सोच रहा होता है, यार क्या करूं, कंपनी बंद कर दूं, चलाऊं ना चलाऊं, और चलाऊं तो कैसे चलाऊं। अचानक एक शख्स उसके पास आता है और उसे कहता है, भाई थोड़े से परेशान लग रहे हो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो क्या करता है, पहले उसे पूरी दास्तान सुनता है, उसे बताता है कि हाँ मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म कर दिया। अब वो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं मिस्टर जॉन हूं। मिस्टर जॉन कौन? मिस्टर जॉन उस जमाने में पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो। कहता है मैं मिस्टर जॉन हूं, ये चेक पकड़ो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आज से ठीक एक साल बाद इसी जगह पर आना और मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। उसके हाथ में एक चेक देता है, उसे थोड़ा सा मोटिवेट करता है और वहां से गायब हो जाता है। अब जब वो उस चेक को देखता है, वो होता है $5,00,000 का चेक। कितने का चेक? $5,00,000 का। वो बिजनेसमैन दिमाग से पागल हो जाता है कि मैं अपना बिजनेस चला नहीं पा रहा और ये दूसरा बंदा आके मुझ पे $5,00,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब कि मैं कर सकता हूं, अब मैं इसका चेक भी इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपने बिजनेस को भी उठाऊंगा। वो जाता है, थोड़े से प्लान्स बनाता है, बिजनेस पे थोड़ी मेहनत करता है, कुछ ही महीनों में उसके क्राइसिस दूर हो जाते हैं, उसका बिजनेस अचानक से चलने लगता है, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। चेक उसके पास वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, अभी तक उसे कैश नहीं करवाया है। जैसे पूरा एक साल गुजरता है, उसी जगह पर आता है, उसी बेंच पे बैठ के उस शख्स से इंतजार करता है और वो शख्स वापस आता है उसके पास और उसको बताता है कि भाई मैंने तुम्हारा चेक इस्तेमाल नहीं किया, तुमने जो मुझ पे इतना भरोसा किया, मुझे इतने पैसे दिए, वही चीज मेरे लिए काफी हो गई। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि पीछे से दो नर्सें भागती हुई आती और कहती है, सर इस शख्स ने आपको परेशान तो नहीं किया? ये रोज पागल खाने से भाग जाता और कहता है कि मैं मिस्टर जॉन हूं, लोगों के हाथों में डुप्लीकेट चेक पकड़ा जाता है। क्या करता है? डुप्लीकेट चेक लोगों के हाथ में पकड़ा जाता है और कहता है कि मैं मिस्टर जॉन हूं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, ये लो पैसे और जाके बिजनेस करो। तो उसे पागल इंसान, अगर उसको स्टार्टिंग में पता चल जाता कि चेक नकली है, डुप्लीकेट है, वो वहीं पर ही डाउन हो जाता है। एक हल्का सा पुश, हल्की सी मोटिवेशन आपको यहां से यहां पहुंचा देती है। याद रखे, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। वंस मोर टाइम, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर कुछ स्टार्ट करना है, कुछ स्टार्ट कर चुके हो, कोई बिजनेस कर रहे हो और जा रहा है लॉस में, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, उस पर मेहनत करनी है, रिस्क लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, द बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ इज दैट यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क जिंदगी में यही है कि आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और चाहते हो ऐसी वीडियो आपके लाता रहूं तो बेल आइकन को क्लिक कर दो। फायदा ये होगा, जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।